आप में से काफी भाई वगैरह लोग बोलते होंगे कि ये भाई YouTube पे ज्ञान तो दे रहे हैं, बट ये भाई खुद तो कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, ये भाई नहीं वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, ये हमें क्या ज्ञान देंगे। बट दोस्तों, मैंने आपको काफी पहले बताया था कि मैं काफी प्रैक्टिकल अप्रोच से हर चीज जो आपको बताऊंगा उसको पहले अपने चैनल पे इंप्लीमेंट करूंगा। अगर उसका कोई रिजल्ट मुझे दिख रहा है देन मैं आपको बताऊंगा। आप सभी जानते हो कि अभी तक हमने काफी वीडियो अपलोड कर चुके थे, उसके बाद में फेब मंथ के अंदर हमने पूरा महीना वीडियो अपलोड नहीं किया। उसके बाद में जब मैंने मार्च 3 मार्च को जो वीडियो अपलोड किया वहां पे हम देखते हैं कि हमारे वीडियो पे जो व्यूज पहले आते थे वो आना बंद हो गए। उसके बाद में हमने निरंतर वीडियो अपलोड करते गए, हम डेली एक वीडियो अपलोड करते गए और 10-15 दिन के बाद कुछ ऐसा देखा जाता है कि जैसे पहले व्यूज आते थे ऐसे व्यूज आना फिर से शुरू हो जाता था। उसके बाद में मैंने एक वीडियो अपलोड किया जहां पे मैंने बताया कि अगर आपके मतलब जो वीडियो है उस पर अगर व्यूज डाउन हो रहे हैं तो क्या रीजन है। पर दोस्तों, आप सभी को जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिकल अप्रोच से हम चलते हैं, जो कुछ भी चीज आपको बताऊंगा पहले चैनल पे इम्प्लीमेंट करूंगा और वही चीज को ध्यान में रखते हुए लास्ट 11 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। बिकॉज रीजन एक ही है कि मैंने अमेरिका के डिपार्टमेंट का एक मतलब एक बंदा जो वेल एस्टैब्लिश्ड वेल फेमस है, उन्होंने एक रिसर्च किया है, उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि अगर आप आपके जब वेरिएशन ला रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पूरे फेब मंथ में वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके मैंने मार्च में फिर से अपलोड करना शुरू किया, फिर से एकदम से ब्रेक लाया, तो वो बंदा अपने आर्टिकल में दावा करता है कि अगर आप ऐसा वेरिएशन ला रहे हो सो आपके वीडियो मतलब वायरल होने का ज्यादा चांसेस है। दोस्तों, ये बात पे मुझे ज्यादा मतलब ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, दैट्स व्हाई कि मैंने 11 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्या सही में 11 दिन के बाद वीडियो अपलोड करता हूँ, अब मैं निरंतर 3 दिन से अलग वीडियो अपलोड करूंगा, क्या ये वायरल होता है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने 11 दिन से वीडियो नहीं बनाया है। बाकी भाई जो लोग मतलब कमेंट करते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं और जो ब्लेम भी करते हैं कि भाई खुद तो कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे तो हमें क्या ज्ञान देंगे, बट कहीं ना कहीं जो चीज मैं सीख रहा हूँ और आप सभी जानते हो कि लर्निंग एटीट्यूड मेरा भी है और आपको भी रखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया हमें सीखने का जो बोलते हैं। अगर YouTube पे हमें अच्छे से चलना है, अच्छा से करियर ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना ही होगा। तो दोस्तों, यही चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रहा और ये वीडियो अपलोड करने का देखना चाहता हूँ कि क्या सही में ये वीडियो वायरल जाएगा। ऐसे तो वीडियो के कंटेंट में ज्यादा कुछ खास दर नहीं है, बट देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, देखते हैं आप दोस्त लोग कैसे इसको प्यार देते हो। बाकी वो बंदे ने जो आर्टिकल में जो दावा किया है कि आप अगर मतलब गैप ला रहे हो फिर आप फिर से निरंतर मतलब वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप फिर से गैप ला रहे हो फिर से वीडियो अपलोड करते हो, सो वहां पे यूट्यूब के एल्गोरिथम कुछ ऐसा होता है कि वो आपके वीडियो को पुश करेगा। अब ये चीज पढ़ने में तो काफी अजीब लगी, बट जिस तरह से उसके आर्टिकल पे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, लोगों ने बताया कि हाँ ये सही बात है, सो वही चीज को हमने भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये चैनल पे हमने भी ये चीज किया कि 11 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी गलती मत करिएगा। हाँ, अगर मेरा ये वीडियो अब मतलब ये वायरल जा रहा है देन मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, और अगर मैं बोलता हूँ कि आप भी ऐसा करें तो ही आप करिएगा, बाकी आप ऐसा कोई रिस्क ना लीजिएगा। बाकी मैं तो बताया कि एक्सपेरिमेंट करने का मेरा मतलब ऐसा है कि हमेशा हर चीज मतलब देखने के बाद जब तक उसका यूटिलाइज नहीं करता तब तक कोई चीज आपको नहीं बताता। तो दोस्तों, देखते हैं वीडियो अगर वायरल जाता है देन मैं मतलब वापिस एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको बोलूंगा कि आप भी ऐसा करिए, बाकी जब तक मैं ना बोलूँ आप ये चीज ना करिएगा। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मतलब बताइएगा, बाकी देखते हैं इस वीडियो पे क्या आपका प्रतिक्रिया आता है। दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।